दोस्तों एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जितनी चीज़ें पढ़ी थी वो अपन के क्षेत्रफल से संबंधित थी और आज अपन उससे आगे की चर्चा करते हैं। देखिए हमने शुरुआत कर रही थी क्षेत्रफल की, लेकिन अभी बात करेंगे अपन जनसंख्या की। यानी जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला आपके सामने देखिए कौन सा है। तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का जो जयपुर जिला है, ये जयपुर जिला राजस्थान का देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। लेकिन अगर सबसे छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैसलमेर। यानी जैसलमेर ये राजस्थान का देखिए सबसे छोटा जिला है और ये आपके सामने जयपुर जिला है, ये सबसे बड़ा जिला है। लेकिन जब भारत के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारत का देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यदि सबसे बड़े राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है यूपी। यानी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि भारत का क्षेत्र देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। और अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य आपके सामने कौन सा होगा, तो वहां पर आपको याद रखना है सिक्किम। यानी सबसे बड़ा राज्य यूपी है जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। लेकिन इसी भारत में जनसंख्या की दृष्टि से यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखोगे सातवां स्थान है। यानी भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। अब देखिए यहाँ पर सात राज्यों की बात करें तो इनका देखिए सबसे पहले क्रम देखा जाए तो यहाँ पर देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य देखिए जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, यूपी। यूपी के बाद में देखिए दूसरे नंबर पर देखा जाए तो यूपी के बाद में कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में तीसरे राज्य की बात करें तो उस राज्य का नाम है बिहार। यानी यूपी है, महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। बिहार के बाद में चौथे राज्य की बात करें तो चौथा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के बाद में पांचवें राज्य की बात करें तो पांचवा राज्य आपके सामने देखिए कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में छठे राज्य की बात करें तो छठा राज्य आपके सामने कौन सा होगा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में सातवां जो राज्य है वो राज्य आपके सामने कौन सा होगा, राजस्थान। यानी जब भारत में आपसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है, यूपी के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद में पश्चिमी बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद में राजस्थान। तो भारत में देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। उसके बाद में मैंने कहा कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जयपुर है, जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जैसलमेर है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो वहां पर आपको ध्यान रखना कौन सा जिला, जैसलमेर। यानी क्षेत्रफल में देखिए बड़ा है, जनसंख्या में छोटा है, कौन सा जिला, जैसलमेर जिला, ठीक है। अब यहां से आपके सामने यदि क्वेश्चन पूछा जी कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर बड़े जिलों की बात करें तो बड़े जिलों का देखिए आपके सामने क्रम क्या होगा, तो यहाँ से आप लोगों को क्रम याद रखना है। देखिए सबसे बड़ा जिला है जयपुर, जयपुर के बाद में दूसरा नंबर है आपके सामने कौन से जिले का, जोधपुर का। जोधपुर के बाद में देखिए आपके सामने तीसरे जिले की बात करें तो तीसरा जिला कौन सा है, अलवर। और अलवर के बाद में जिला कौन सा होगा,
तो याद रखोगे नागौर, यानी राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से यदि बड़े जिलों की बात करें तो बड़े जिले में पहला जिला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है अलवर और चौथा होगा नागौर। उसके बाद में क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और जैसलमेर के बाद में दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला आपके सामने कौन सा होगा? तो याद रखेंगे प्रतापगढ़, यानी यहाँ से जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के बाद में तीसरा नंबर आपके सामने कौन से जिले का होगा? सिरोही का। और सिरोही के बाद में चौथा जिला कौन सा होगा? तो याद रखोगे बूंदी। यानी आपसे कहा जाए कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से यदि छोटे जिलों का क्रम पूछे तो छोटे जिलों का क्रम यानी घटते से बढ़ता क्रम होगा, पहले नंबर पर जैसलमेर, दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़, तीसरे नंबर पर सिरोही और चौथे नंबर पर कौन सा होगा? बूंदी होगा। लेकिन यहाँ से आपके सामने एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और राजस्थान पुलिस की दृष्टि से आपके लिए वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यानी यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से और यदि जनसंख्या की दृष्टि से यानी समान प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है? यानी राजस्थान का देखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग समान प्रतिशत रखने वाला जिला आपके सामने कौन सा होगा? तो याद रखोगे सिरोही जिला। यानी ये सिरोही जिला है, ये राजस्थान की अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उस कुल क्षेत्रफल की देखिए बात करें और जनसंख्या की बात करें, कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या की बात करें तो समान प्रतिशत वो कौन सा जिला रखता है? सिरोही जिला। यानी सिरोही जिले की बात करें तो इनका जो क्षेत्रफल रखा गया है वो 1.50% है और यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी होगी? 1.51%। जैसे मान लीजिए आपके सामने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 100% क्षेत्रफल है, ऐसे ही आपके सामने 100% जनसंख्या है। इस 100% क्षेत्रफल का देखिए सिरोही जिले का क्षेत्रफल देखा जाए तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1.50% हिस्सा वो कौन से जिले का है? सिरोही का। उसके बाद में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 100% है। इस 100% का अगर देखा जाए जनसंख्या में तो कितना प्रतिशत है? 1.51% है। तो यहाँ पर सिरोही जिला राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान की कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या की बात करें तो इनका समान प्रतिशत है वो रखता है। उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं राजस्थान की, ये चीजें आप साथ के साथ इनको नोट करते जाएंगे। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ से आपके सामने अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की देखिए स्थिति क्या रहेगी। यानी राजस्थान की अगर स्थिति की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान की देखिए यहाँ से ग्लोबीय स्थिति को पढ़ें तो इनकी ग्लोबीय स्थिति आपके सामने क्या रहेगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये ग्लोब है, इस ग्लोब के मध्य से यहाँ से 0 डिग्री खींची गई है और इस 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री को ही कहा जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको नाम दिया गया है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या जो विषुवत रेखा है इसकी ऊपर का जो भाग है वो भाग तो संपूर्ण भाग आपका कौन सा होगा? तो याद रखोगे उत्तरी गोलार्ध का। और इसके नीचे का जो भाग है वो भाग आपके सामने कौन सा रहेगा? तो याद रखोगे दक्षिणी गोलार्ध का। अब इसे 0 डिग्री से ऊपर देखा जाए तो 0 डिग्री से ऊपर आपके सामने रेखा होगी 23.5 डिग्री। यानी यहाँ से 23.5 डिग्री की बात करें तो ये 23.5 डिग्री आपके सामने उत्तरी अक्षांश रेखा है और यहाँ पर इनके नीचे की बात करें तो यहाँ पर भी आपके सामने 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री आपके सामने दक्षिणी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको तो नाम दिया गया है कर्क रेखा। इसके बारे में हमने पहले से चर्चा कर ली है
ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको नाम दिया गया है मकर रेखा, यानी ऊपर कारक है, बीच में भूमध्य रेखा है और नीचे आपकी मकर रेखा है। अब यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की स्थिति अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो देखिए आपके सामने भारत की स्थिति आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगी, यानी यहाँ पर आपके सामने ये भारत है और इस भारत की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये भारत और यहाँ पर आपके सामने ये भारत में राजस्थान का हिस्सा भी है, लेकिन यहाँ से ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति देखी जाए तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान ये कौन से गोलार्ध में होगा तो बताना है आपको उत्तरी गोलार्ध में, यानी राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन जब देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो देशांतरी दृष्टि से आपके सामने कौन से गोलार्ध में होगा तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ये 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके इधर वाला भाग है, ये तो भाग पूरा का पूरा किसका है, पूर्वी गोलार्ध का, और इधर वाला भाग आपके सामने कौन से गोलार्ध का है, पश्चिमी गोलार्ध का। 0 डिग्री से इधर पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री से इधर कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान है, ये राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे देशांतरी दृष्टि से ये आपका पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांशीय दृष्टि से ये आपका उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ से करना क्या है, देखिए अगर राजस्थान की गलोबी स्थिति की बात करें तो इनकी गलोबी स्थिति क्या रहेगी तो वहां पर आपको याद रखना है उत्तर पूर्व, यानी राजस्थान की गलोबीय स्थिति की बात करें तो गलोबीय स्थिति तो रहेगी उत्तर पूर्व, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान है कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपके सामने राजस्थान का अगर अक्षांश और देशांतर पढ़ते तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। देखिए यहाँ से आगे चलते हैं, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को लेकर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ से राजस्थान के मानचित्र को याद रखेंगे। देखिए यहाँ से आपके सामने ये राजस्थान की स्थिति है और इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखिए कितना है और देशांतरी विस्तार आपके सामने देखिए कितना रहेगा। देखिए यहाँ से आपके सामने ये राजस्थान है और इस राजस्थान की इस वाली दिशा की बात करें तो ये है उत्तर दिशा, ये आपके सामने दिशा है दक्षिण दिशा, ये दिशा है आपके सामने पूर्व दिशा और ये दिशा रहेगी आपके सामने पश्चिम दिशा। लेकिन जब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखिए शुरू होता दक्षिण दिशा से और दक्षिण दिशा की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने 23.03 मिनट ये उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का अक्षांश शुरू होता है और यहाँ से शुरू होने के बाद में कितने डिग्री पर जाके खत्म होगा तो याद रखोगे 30.12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर के खत्म होगा, यानी राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23.03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा और 30.12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर के खत्म होगा। लेकिन अगर इनकी शुरुआत देखी जाए तो इनकी शुरुआत देखिए कहाँ से होती है तो याद रखोगे बोरकुंडा, और बोरकुंडा की बात करें तो बोरकुंडा आपके सामने कौन से जिले में होगा, बांसवाड़ा में, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होने के बाद में ये सीधा आपके सामने कोणा गांव जो आपके सामने है कहाँ पर, गंगानगर में, यानी कोणा गांव जो गंगानगर है वहां पर आकर के देखिए खत्म होगा। उसके बाद में देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार कौन से दिशा से शुरू होगा, पश्चिम दिशा से, और पश्चिम दिशा की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने 73.30 मिनट ये पूर्वी देशांतर से शुरू होगा, यानी 73.30 मिनट पूर्वी देशांतर, वहां से राजस्थान का देशांतरी विस्तार शुरू होता है और वहां से शुरू होने के बाद में पूर्व दिशा में आकर के क्या होगा, खत्म होगा। और कितने डिग्री पर खत्म होगा तो याद रखोगे 78.17 मिनट जो पूर्वी देशांतर है वहां पर आकर के क्या होगा, खत्म होगा।
लेकिन इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो इसकी शुरुआत होती है आपके सामने कौन से गांव से, तो याद रखोगे कटरा गांव। ये कटरा गांव है, ये आपके सामने जैसलमेर जिले का भाग है। यहाँ से इनका देशांतर है वो शुरू होता है। यहाँ से शुरू होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने धौलपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर खत्म होता है, और धौलपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने सिलाना क्षेत्र है, जो राजा खेड़ा यानी सिलाना राजा खेड़ा धौलपुर जिले का भाग है, वहां पर आकर के क्या होगा, खत्म होगा। लेकिन यहाँ से देखिए राजस्थान में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब 23:03 उत्तरी अक्षांश से, यहाँ से तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है वो शुरू होता है, लेकिन यहाँ से 23:03 के बाद में देखिए 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट ऐसे करते करते यहाँ से आपके सामने राजस्थान से एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा की बात करें तो उस रेखा का नाम है आपके सामने 23:30। ये 23:30 की बात करें तो ये 30 मिनट कौन सी अक्षांश होगी, उत्तरी अक्षांश होगी, जिसको आप 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं। ये 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको नाम दिया गया है करक रेखा, ये करक रेखा राजस्थान के देखिए दक्षिणतम भाग से होकर के गुजरती है, और दक्षिणतम भाग की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए गांव है जिसका नाम है कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ की बात करें तो ये कुशलगढ़ है, ये बांसवाड़ा जिले का भाग है, यानी कुशलगढ़ है ये कहाँ का भाग है, बांसवाड़ा जिले का भाग है। उनके मध्य से ये करक रेखा गुजरती है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक गांव है चेकली गांव, यानी जब चेकली गांव की बात करें तो चेकली गांव है ये कौन से जिले का भाग है, तो याद रखोगे ये डूंगरपुर जिले का भाग है, और इस डूंगरपुर जिले की यहाँ पर दक्षिणतम सीमा को ये करक रेखा छूती है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि करक रेखा है ये राजस्थान में देखिए कहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान की ये चेकली गांव डूंगरपुर है इसकी दक्षिणतम सीमा को छूती है, और ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले का जो भाग है वहां पर इनके मध्य से गुजरती है। लेकिन उसके बाद में आपसे ये कहेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान के मध्य से कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, तो राजस्थान में यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के मध्य से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है। लेकिन करक रेखा पूछे तो करक रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग से होकर के गुजरती है। उसके बाद में देखिए करना क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो राजस्थान में देखिए कुल कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है, तो यहाँ पर आपको बताना है 7 अक्षांश रेखा वो खींची गई है। लेकिन जब राजस्थान के अक्षांश में अंतर की बात आती है तो राजस्थान के अक्षांश में देखिए अंतर कितनी डिग्री या मिनट का है, तो अक्षांश में अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23:03 से शुरू होकर 23:12 पर खत्म हो रहा, तो यहाँ से आप सीधा करेंगे कि 23:12 है, इसमें से 23:03 आप क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे आप घटाएंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9 मिनट, और 30 में से 23 घटाएंगे कितना डिग्री बचेगा 7 डिग्री, तो राजस्थान के अक्षांश में 7:09 का अंतर होगा। लेकिन जब राजस्थान के देशांतर में अंतर निकालोगे तो देशांतर आपको पता है 69:23 पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 78:17 पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ से करोगे क्या, आप 78:17 है इसमें से आप 69:30 आप घटाओगे, तो यहाँ पर देखिए 17 मिनट कम है और 30 मिनट है वो ज्यादा, तो कम मिनट में से ज्यादा मिनट घटाई नहीं जा सकती, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप 78 डिग्री में से 1 डिग्री उधार लेंगे, और 1 डिग्री उधार लेंगे तो 78 की जगह तो कितनी डिग्री हो जाएगी 77 डिग्री, और 1 डिग्री में मिनट कितनी होती है, तो याद रखोगे 60 मिनट होती है, तो 77 डिग्री यहाँ पर 17 मिनट पहले से है और 60 मिनट ये हो जाएगी, तो कुल मिलाकर कितनी मिनट हो जाएगी 77 मिनट, यानी 17 मिनट ये है
एक डिग्री उधार ली, एक डिग्री में मिनट कितनी होगी, तो याद रखोगे 60 मिनट होगी। तो एक डिग्री जैसे उधार ली तो ये तो स्वतंत्र हो गई, एक डिग्री में 60 मिनट होती है तो 60 मिनट ये और 17 मिनट ये कितनी हो गई, स्वतंत्र हो गई। तो 70 डिग्री, 70 डिग्री 70 मिनट में से आप गुणितर डिग्री 30 मिनट क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर 70 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे, 7 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा। उसके बाद 70 में से गुणितर घटाओगे कितना मिनट बचेगा, 8 डिग्री। तो यहाँ पर 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर होगा। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान है, इस राजस्थान में कुल कितनी देशांतर रेखा खींची गई है, तो राजस्थान में कुल कितनी देशांतर रेखा खींची गई है, 8 देशांतर रेखा खींची गई है। और अंतर पूछे तो अंतर कितना बताओगे, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर रहेगा। ये तो आपके सामने अक्षांश और देशांतर को लेकर के बातें हुई। उसके बाद में देखिए राजस्थान की जब लंबाई और चौड़ाई की बात करें, तो राजस्थान की लंबाई देखिए कितनी है और चौड़ाई आपके सामने कितनी रहेगी। अक्षांश और देशांतर समझ में शायद आ गया होगा आप लोगों के। उसके बाद में देखिए अक्षांशी और देशांतरी दृष्टि के बाद यदि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, तो सबसे पहले देखिए राजस्थान की अगर लंबाई को पढ़ते हैं, तो राजस्थान की देखिए उत्तर से दक्षिण तक अगर लंबाई की बात करें, तो लंबाई तो आपके सामने कितनी रहेगी, 826 किलोमीटर। यानी राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो ये उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है, 826 किलोमीटर की है। जो आपके सामने कोणा गांव गंगानगर से शुरू होकर ये बोरकुंडा बांसवाड़ा में खत्म हो जाती है। उसके बाद में राजस्थान की अगर चौड़ाई की बात करें, तो राजस्थान की चौड़ाई कितने किलोमीटर की है, तो याद रखोगे 800 किलोमीटर है। राजस्थान की चौड़ाई 800 किलोमीटर जो पश्चिमी कटरा गांव जैसलमेर से लेकर के सिलाना राजा खेड़ा धौलपुर तक है। तो राजस्थान की लंबाई हुई 826 किलोमीटर जो कोणा गांव गंगानगर से शुरू कर बोरकुंडा बांसवाड़ा में खत्म होती है। और तो राजस्थान की चौड़ाई की बात करें, तो वो कटरा गांव जैसलमेर से सिलाना राजा खेड़ा धौलपुर तक 800 किलोमीटर है। लेकिन जब राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछे, तो अंतर निकालने के लिए अपन को करना क्या है, तो यहाँ से आप देखिए राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने किलोमीटर का रहेगा। तो आपके सामने चौड़ाई तो देखिए ज्यादा है 800 किलोमीटर और लंबाई है आपके सामने 826। तो 800 में जैसे ही आप 826 किलोमीटर घटा देंगे, तो आपके सामने वो लंबाई और चौड़ाई में क्या होगा, अंतर। 9 में से 6 घटा दीजिए कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद में 6 में से आप 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 में से 8 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 800 गुणितर में से जैसे ही 826 आपने घटाया, तो यहाँ पर कितने किलोमीटर का अंतर आ गया, 43 किलोमीटर का अंतर आ गया। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में 843 800 गुणितर में से 826 जैसे घटाया, तो 43 किलोमीटर का अंतर आ गया। अब देखिए यहाँ पर यदि राजस्थान के मानचित्र में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक यदि एक रेखा खींच दी गई, तो राजस्थान के मध्य में आपके सामने देखिए कौन सा जिला आएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नागौर। यानी राजस्थान के मध्य में कौन सा जिला है, नागौर जिला। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चलते हैं राजस्थान के विकर्ण को लेकर। तो राजस्थान के विकर्ण की लंबाई आपके सामने देखिए कितनी है, तो यहाँ पर राजस्थान की देखिए यहाँ से उत्तर और ये पूर्व, यानी राजस्थान के उत्तर पूर्व की बात करें और दक्षिण पश्चिम की बात करें, तो राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विकर्ण की लंबाई की बात करें, तो लंबाई तो रहेगी कितनी, 784 किलोमीटर। यानी यहाँ से ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विकर्ण की लंबाई कितनी है, तब तो आपको बताना है 784 किलोमीटर। लेकिन जब राजस्थान की आपसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक अगर विकर्ण की लंबाई की बात करें, तो वो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 850 किलोमीटर। देखिए इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि जैसे आपके सामने राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई पूछे, तो लंबाई आपको बताना है 826 किलोमीटर
और उसके बाद चौड़ाई आपको बतानी है 800 × 17 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे लंबाई और चौड़ाई से संबंधित पूछा जाएगा। लेकिन जब आपसे विकर्ण के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान के विकर्ण को लेकर के क्वेश्चन जो होगा वो ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ से आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जब विकर्ण की बात आती है तो विकर्ण की लंबाई आप कैसे याद रखोगे। यहाँ से एक दिशा आप ले लीजिए, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और यहाँ से ये पश्चिम दिशा है। तो राजस्थान की पहली विकर्ण की बात करें, देखिए राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक ये जो विकर्ण की लंबाई होगी वो तो कितनी होगी, 784 किलोमीटर। उसके बाद में यही दिशा वापस आप याद रखोगे। देखिए यहां से ये आपके सामने, देखिए यहां पर क्लियर करते हैं इसको, ये है आपके सामने उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व और ये है आपके सामने पश्चिम। तो यहां से चलेंगे कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक ये जो विकर्ण की लंबाई है, ये विकर्ण की लंबाई कितनी रहेगी, 850 किलोमीटर। तो यहां से ध्यान रखें कि राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक ये जो विकर्ण की लंबाई है ये 784 किलोमीटर है, और राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है, 850 किलोमीटर है। ये तो आपके सामने लंबाई चौड़ाई अक्षांश से देशांतर को लेकर के जो बातें हुई है वो हो गई। उसके बाद में देखिए यहां से आपको ध्यान रखना है, आगे आप इन चीजों को साथ के साथ नोट करते रहना। अब देखिए आगे बात करते हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसे जिले भी हैं जिनकी अलग अलग आकृतियां प्राप्त होती हैं। राजस्थान है, इनकी आकृति कैसी है ये स्थिति भी रहेगी। यानी जब देखिए भारत की बात करें तो भारत की आकृति है वो देखिए आपके सामने किसके समान है, तो भारत की आकृति है वो आपके सामने देखिए किसके समान रहेगी, तो याद रखोगे चतुष्कोणीय। यानी भारत की आकृति है वो किसके समान है, तो याद रखोगे चतुष्कोणीय। यानी भारत की आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की आकृति देखिए कैसी रहेगी, देखिए भारत की बात करें तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। और इसी भारत की जो आकृति है वो किसके समान बताई गई है, तो याद रखोगे पतंग के समान है। उसके बाद में देखिए यहाँ से ये राजस्थान की बात करें तो देखिए यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और इस भारत की आकृति है वो पतंग के समान भी मानी जाती है। लेकिन पतंग के समान जो आकृति बताई थी वो किसने बताई थी, तो यूनान का एक विद्वान था, और इस यूनान के विद्वान की बात करें तो इनका नाम प्राप्त होता है स्ट्रेबो। यानी यूनान का विद्वान जो स्ट्रेबो था, इस स्ट्रेबो ने देखिए भारत की आकृति वो पतंग के समान बताई थी, लेकिन भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। उसके बाद में भारत की बात करें तो भारत में आपके सामने देखिए राजस्थान राज्य भी है। यानी सबसे पहले देखिए भारत की बात करें तो भारत का मानचित्र आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यानी यहाँ से आप जैसे भारत को पढ़ते हैं तो भारत का मानचित्र देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। और इस भारत में जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की स्थिति आपके सामने देखिए किस प्रकार प्राप्त होगी। देखिए यहाँ से आप भारत में पढ़ते हैं तो भारत का मानचित्र देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो भारत में यहाँ पर जो राज्य है वो राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और यहाँ पर भारत की ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है, ये आपके सामने दक्षिण दिशा, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। और इस वाली दिशा की बात करें तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। यानी पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि भारत है, इस भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो याद रखोगे कि राजस्थान है ये भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। यानी ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो दिशा, ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम दिशा है। तो राजस्थान है ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और इस राजस्थान की जो आकृति प्राप्त होती है वो आपके सामने विषमकोण चतुर्भुज के समान प्राप्त होती है। यानी राजस्थान की आकृति है वो कैसी है, विषमकोण चतुर्भुज।
यानी यहाँ से विषमकोण चतुर्भुज के समान ये राजस्थान की आकृति प्राप्त होती है, जबकि भारत की आकृति मैंने आपको बताई थी कैसी है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। यानी भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत की आकृति पतंग के समान किसने बताई थी, यूनान का विद्वान था स्ट्रैबो, उसने बताई थी। लेकिन राजस्थान की आकृति कैसी है, विषमकोण चतुर्भुज के समान है। लेकिन इस राजस्थान की आकृति है वो भी किसके समान बताई गई है, पतंग के समान। लेकिन पतंग के समान आकृति बताने वाला जो विद्वान था उसका नाम है टी हैंडले रोहम्बस। यानी टी हैंडले रोहम्बस की बात करें तो इनके द्वारा राजस्थान की आकृति है वो कैसी बताई थी, तो याद रखोगे पतंग के समान बताई थी। इसी राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है टोंक जिला। यानी राजस्थान का एक जिला है टोंक जिला। इस टोंक जिले की अगर आकृति की बात करें तो इनकी आकृति भी किसके समान प्राप्त होगी, पतंग के समान प्राप्त होगी। इतनी चीज क्लियर हुई, यानी आपको ध्यान रखना कि भारत की आकृति पतंग के समान है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, लेकिन भारत की आकृति पतंग के समान किसने बताई, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारत की आकृति पतंग के समान बताई थी स्ट्रैबो ने। लेकिन भारत में ही आपका राज्य है राजस्थान, राजस्थान की आकृति है विषमकोण चतुर्भुज के समान, लेकिन इसकी आकृति भी पतंग के समान बताई गई थी, किसने बताई, तो याद रखेंगे टी हैंडले रोम्बस ने। लेकिन राजस्थान का एकमात्र जिला है टोंक जिला, इस टोंक जिले की आकृति भी पतंग के समान है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिनकी आकृति राजस्थान के समान है, तो ऐसा जिला आपका कौन सा होगा, टोंक जिला। उसके बाद भी राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान के जिलों की आकृतियां देखिए कौन से जिले की कौन सी है और कौन से जिले की आकृति किस प्रकार की है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये राजस्थान है और इसी राजस्थान के अगर जिलों की आकृतियों की बात करें तो राजस्थान में देखिए कौन सा जिले की आकृति देखिए किसके समान है, तो ये चीज आप देखिए यहाँ से ध्यान रखोगे। यहाँ पर आपके सामने ये राजस्थान की स्थिति है और इसी राजस्थान में देखिए अलग अलग जिलों की आकृतियों की बात करें तो वो आकृतियां किसके समान है। देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर जिला कौन सा है, जैसलमेर, और इस जैसलमेर की आकृति है वो किसके समान प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सात दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान है। यानी इनकी आकृति है वो किसके समान है, सात दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान आकृति है वो किसकी है, तो वहां पर तो आपको बताना कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला है कौन सा, सीकर जिला। इस सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिले की आकृति देखिए किसके समान है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसकी आकृति है वो कटोरे के समान है, किसके समान है, कटोरे के समान है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति प्याला के समान है। यानी कटोरे के समान, प्याला के समान, या फिर आप कह सकते हैं इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार, इसकी आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। यानी सीकर जिले की आकृति की बात करें तो सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार है, कटोरे के समान है या फिर प्याला के समान है। उसके बाद में यहाँ पर जिला है आपके सामने कौन सा, तो याद रखेंगे जयपुर, और इस जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले की आकृति देखिए किसके समान है, तो यहाँ पर आपको याद रखना हाथी की सुंड, यानी हाथी की सुंड के समान जो आकृति है वो आकृति कौन से जिले की है, जयपुर जिले की है। जयपुर जिले के बाद में यहाँ पर आपके सामने जिला है देखिए कौन सा, भरतपुर, और इस भरतपुर जिले की आकृति है वो किसके समान है, तो यहाँ पर आप याद रखोगे इनकी आकृति है वो गिलहरी के समान है। यानी भरतपुर जिले की आकृति है वो गिलहरी के समान है। यहाँ पर जिला है आपके सामने करौली, और इस करौली जिले की आकृति है वो किसके समान है, तो यहाँ पर आपको बताना है बतख के समान। यानी यहाँ पर बतख के समान आकृति कौन से जिले की है, तो वहां पर आपको कौन सा जिला बताना है,
करौली जिला बताना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको मैंने जिला बताया था टोंक जिला, तो टोंक जिले की आकृति है वो किसके समान है, तो टोंक जिले की आकृति है वो आपके सामने पतंग के समान है, यानी टोंक की आकृति पतंग के समान है, करौली की आकृति बतख के समान है, भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान, जयपुर की हाथी के सूंड के समान, सीकर की आकृति कटोरे पहले अर्धचंद्राकार और जैसलमेर की सात दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जिला है आपके सामने कौन सा, अजमेर, तो अजमेर जिले की जो आकृति है वो किसके समान प्राप्त होती है, तो याद रखोगे त्रिभुज के समान प्राप्त होती है। अजमेर जिले से नीचे जिला है आपके सामने कौन सा, भीलवाड़ा, और इस भीलवाड़ा जिले की अगर आकृति की बात करें तो इसकी आकृति है वो किसके समान है, तो वहां पर आपको याद रखना है आयत के समान, भीलवाड़ा की आकृति आयत के समान, अजमेर की आकृति त्रिभुज के समान। और उसके बाद में यहाँ पर जिला है आपके सामने कौन सा, चित्तौड़गढ़ जिला, तो चित्तौड़गढ़ जिले की अगर आकृति की बात करें तो इनकी आकृति है वो किसके समान रहेगी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है घोड़े की नाल के समान, यानी घोड़े की नाल के समान आकृति है वो कौन से जिले की है, चित्तौड़गढ़ जिले की, और घोड़े की नाल के समान ही आकृति भारत में आपके सामने किसकी है, तो याद रखोगे लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है, चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है, तो ये चीज आ गई। उसके बाद में यहाँ से आपके सामने जिला है देखिए कौन सा, उदयपुर जिला, और इस उदयपुर जिले की आकृति की बात करें तो इनकी आकृति है वो किसके समान है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के समान, यानी यहाँ पर उदयपुर जिले की आकृति की बात करें तो उदयपुर जिले की आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है, चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो इनकी आकृति घोड़े की नाल के समान है, और उदयपुर से ऊपर आपके सामने यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद, और इस राजसमंद जिले की आकृति की बात करें तो इनकी आकृति प्राप्त होती है आपके सामने तिलक के समान, यानी राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी अलग अलग आकृतियां प्राप्त होती है, उन आकृतियों में देखिए सबसे पहले आप जैसलमेर की आकृति याद कीजिए सात दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान, फिर आएंगे आप सीकर जिले में तो सीकर की आकृति किसके समान बताएंगे, कटोरे के समान, प्याला के समान या फिर अर्धचंद्राकार। उसके बाद में देखिए जयपुर की बात करें तो जयपुर की आकृति है वो किसके समान है, हाथी की सुंड के समान है, फिर भरतपुर की आकृति है वो गिलहरी के समान है, करौली जिले की बात करें तो इनकी आकृति है वो बतख के समान है, और उसके बाद में टोंक जिले की आकृति है वो पतंग के समान है, अजमेर जिले की बात करें तो इनकी आकृति त्रिभुज के समान है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर भीलवाड़ा जिले की बात करें तो इनकी आकृति आयत के समान है, और यहाँ से चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान, राजसमंद की आकृति की बात करें तो राजसमंद की आकृति किसके समान हो गई, तिलक के समान, लेकिन जब उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले की आकृति किसके समान होगी, ऑस्ट्रेलिया के समान होगी, यानी ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जो आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध में, इसके समान आकृति है वो उदयपुर जिले की है, ठीक है। तो ये आपके सामने राजस्थान से संबंधित जिलों की प्रमुख आकृतियां, राजस्थान की आकृति हो चुकी है, भारत की आकृति हो चुकी है, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर हो चुका है, अक्षांश और देशांतर में अंतर हो चुका है, उससे पहले हमने राजस्थान में जनसंख्या के बारे में क्षेत्रों की बात की थी, ये सारी चीजें आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है और इनको याद करना है, आपको सारे के सारे जो टॉपिक है वो इसी YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।